हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल माऊ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रही है अकाउंट होल्डर को जो नॉमिनेशन कर रहे हैं, यानी अपने पीएफ अकाउंट में अपने फैमिली में किसी का भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम से उनको आ रही है वीआईडी नंबर किसका लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन काफी ज्यादातर लोगों को आ रही है और कॉमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जिसे जैसे मान लीजिए मैं अपने फादर को या मॉम को ऐड कर रहा हूँ नॉमिनी में, तो क्या उनका वीआईडी नंबर लगेगा कि मेरा लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपका वीआईडी नंबर लगेगा आपका खुद का लगेगा, यानी जिनके नाम पर पीएफ अकाउंट होल्डर है उन्हीं का लगेगा वहां पर वीआईडी नंबर। और सेकेंड जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि कहाँ से हम जनरेट करें वीआईडी नंबर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं और हमने एक वीडियो भी बनाया था कि पीएफ एनेशन कैसे करें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो उस वीडियो को देख करके आप बिल्कुल प्रॉपर जान सकते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप उस पेज पर जाएंगे वीआईडी नंबर वाले पर, तो वहीं पे एक बगल में देगा गेट वर्चुअल आईडी एंड गेट वीआईडी नंबर, तो वहां से भी आप जा करके जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मेरी पुरानी वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लस आई बटन में लिंक दे दूंगा। यदि वहां से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वीआईडी नंबर निकालने में, तो मैं आपको इस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते आपको दिखाते हैं वो वेबसाइट कहाँ से प्रोसेस होगा। तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहां पर आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सिंपली यहां पे आधार नंबर डालना है और कैप्चा कोड फिल करना है, बिल्कुल सही सही। इसके बाद यहां पर सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। ओटीपी जैसे वेरीफाइड करेंगे तो आपको वीआईडी नंबर आपके नंबर पर एसएमएस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना वीआईडी नंबर जनरेट कर सकते हैं और वहां पर डाल सकते हैं। और ये आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा जो ई साइन करने में प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, तो वहां पर आपको अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाइड करना होगा। यदि आप प्रॉपर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार वो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों का, काफी सारे कमेंट्स थे कि वीआईडी नंबर कैसे जनरेट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।